Hello everyone, welcome to PR Trainers YouTube channel. You are watching unboxing video of Anway protein. Okay, this is not a gold standard whey, this is only Anway. Okay, Anway 100% protein from the whey. ये जो है मैंने इसे अमेजान से परचेस किया था. ओके, मैंने इसे अमेजान से परचेस किया था. अमेजान में क्लाउडटेल इंडिया जो है, क्लाउडटेल इंडिया अमेजान की एक ऑफिशियल साइट है. मैं उस ऑफिशियल साइट से, क्लाउडटेल इंडिया से इसे मैं परचेस किया था. और मैं इसका बैच नंबर एक्सपायरी डेट जो भी है, मैं ये कस्टमर केयर को कॉल करके मैं कन्फर्म कर लिया है कि एक ओरिजिनल एंड एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट है. तो ये एक नया पैकिंग है, यहाँ पे इजी मिक्सिंग बोल के लिखा हुआ है. ओके, प्रीवियस पैकेट जो है वहाँ पे इस तरह से दिखने को नहीं दिखता है. एंड अगर आप देखें तो इट कंटेंस 22 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर स्कूप एंड ओनली 1 ग्राम ऑफ फैट. फ्लेवर है चॉकलेट मिल्क शेक का फ्लेवर है. एंड इसका नेट क्वांटिटी जो है इसका 837 ग्राम है, दैट मीन्स 1.85 LB प्रोटीन पाउडर. ओके, टोटल 27 सर्विंग्स है इसमें. ये जो पैकेट है ये एक नया लेबल है, इससे पहले ये सिंबल यहाँ पे नहीं रहता था. ओके, ओनली इजी मिक्सिंग रहता था, ग्लास का सिंबल यहाँ पे दिखने को नहीं रहता था. अगर आप देख ले तो प्रोटीन क्लाउडटेल इंडिया से परचेस किया हूँ और जेन्युइन प्रोटीन ही निकला है. ओके, अगर इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में देखें तो इसके न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन में सर्विंग पर कंटेनर देर आर टोटल ऑलमोस्ट 27 सर्विंग्स. एंड सर्विंग साइज जो है इसका 31 ग्राम का सर्विंग साइज है. अगर आप गोल्ड स्टैंडर्ड का सर्विंग साइज अगर आप देखें तो गोल्ड स्टैंडर्ड का सर्विंग साइज ऑलमोस्ट 30 ग्राम है. एंड इसमें प्रोटीन जो है 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर स्कूप इसमें देखने को मिलता है. एंड आप अगर इसका प्रोटीन जो देखें तो इसका 31 ग्राम का स्कूप है और इसमें प्रोटीन जो है 22 ग्राम ऑफ प्रोटीन है. कंसिडरिंग टू दिस प्राइस है, मेरे को अराउंड 1100 में गिरा है मेरे को क्लाउडटेल इंडिया से. तो कंसिडरिंग टू दिस प्राइस ये काफ़ी अच्छा है, मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा है. 22 ग्राम ऑफ प्रोटीन है एंड टोटल फैट जो है ओनली 1 ग्राम ऑफ फैट है. एंड कार्बोहाइड्रेट टोटल 4 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. एक्चुअली फ्रेंड्स ये जो है प्रोटीन का ब्लेंड है. ओके, वे प्रोटीन इट कंटेंस वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट एंड वे प्रोटीन आइसोलेट. दैट मीन्स इसका प्राइमरी सोर्स जो है वो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है एंड इसका जो सेकेंडरी सोर्स जो है वो वे प्रोटीन आइसोलेट है. ये बहुत ही अच्छी बात है. अराउंड मेरे को 1100 में गिरा है अमेजन से, वो सेल चल रहा था तो उसके लिए इतना कम प्राइस में हुआ. और इसका प्राइस जो है फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी 1100 रहा तो कभी 1500, कभी 2000 तक भी रहता है. मगर अगर आप न्यूट्रा पे या हेल्थ कार्ड से लिए तो वहाँ पे आपको कभी भी मोर देन 2000 ही रहेगा इसका जो प्राइस है. अमेजन और फ्लिपकार्ट जो भी है उनके जो ऑफिशियल साइट्स जो है, दैट मीन्स अमेजन में जैसा क्लाउडटेल इंडिया है और फ्लिपकार्ट में जो सुपर काम डॉट नेट बोल गया और एक साइट भी रहता है, उसमें भी इसके ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं. और इसका प्राइस जो है आपका कंसिडरिंग टू न्यूट्राबे एंड हेल्थ कार्ड अमेजान में तो इसका प्राइस तो काफ़ी कम ही रहता है. और एक बात इसकी एक चीज़ है, एक्चुअली इट वाज डेवलप्ड इन दी USA बाय ऑप्टिमम न्यूट्रिशन एंड इंपोर्टेड एंड मैन्युफैक्चर फॉर ऑप्टिमम न्यूट्रिशन एट तिरुपति लाइफ साइंसेस. ये जो है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है. ओके, हिमाचल प्रदेश में इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो भी है हुआ है. और इसका ओरिजिनलिटी के बारे में अगर आप देखें तो इसका बैच नंबर जो भी है, आप इस कस्टमर केयर को कॉल करके ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो. और अगर इसके मिक्सिंग के ऑप्शन देखें तो आप इसे ग्लास में भी मिक्स कर सकते हो, उसी तरह आप इसे एक शेकर में भी मिक्स कर सकते हो. और इसका मिक्सिंग जो भी है, इसका मिक्सेबिलिटी इससे भी अच्छा है. अब मानो या मत मानो, गोल्ड स्टैंडर्ड का जो है मिक्सेबिलिटी, गोल्ड स्टैंडर्ड का मिक्सेबिलिटी से भी ये आनवे जो है, आनवे कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं इसको और आनवे परफॉर्मेंस बोल के भी इसको बुलाते हैं. तो आनवे परफॉर्मेंस है, आनवे कॉन्सेंट्रेट जो है इसका मिक्सेबिलिटी और टेस्ट जो है गोल्ड स्टैंडर्ड से काफ़ी अच्छा है. और मेरा नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट पैकेट में ये यूज़ करने के बाद मैं और एक नेक्स्ट रिव्यू दूंगा. एंड उस रिव्यू में इसका मिक्सेबिलिटी
और इसका डाइजेशन प्रोसेस कैसा है और इसका रिकवरी, ओके इसका रिकवरी मेन वे प्रोटीन किस लिए यूज़ करते हैं कि रिकवरी के लिए इसको यूज़ करते हैं, तो इसका अब्जॉर्प्शन एंड रिकवरी कैसा है लॉन्ग टर्म में मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलता हूँ, आई मीन 15-20 डेज के बाद हर एक वीडियो बनाऊंगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो एक बात भूल गया, इसका जो प्रोटीन जो है, प्रोटीन बहुत ही अच्छा है, इसका प्रोटीन का क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इसका स्मेल भी बहुत अच्छा है और इसका टेस्ट तो एकदम काफ़ी अच्छा है इसका टेस्ट। तो इसका लॉन्ग टर्म में तो एक वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा मैं कंपैरिजन टू एज इट इज़ वे प्रोटीन और दूसरे वे प्रोटीन से, इसके एक लॉन्ग टर्म कंपैरिजन एक वीडियो, एक डेफिनेटली आई विल मेक ए वीडियो ऑन दैट। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।